ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, 1 घंटा कम समय लेता इतना ही दूर जाने में, तो ट्रेन का स्पीड क्या है? तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो एक से, ठीक है, तो मान लो द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर, ओके। डिस्टेंस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 360 किलोमीटर। टाइम क्या लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 360 बाई x, इतना आवर लग रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, इफ द स्पीड इंक्रीज, बोल रहा है इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टाइम द प्लेस रिड्यूस टू 1 आवर। यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो जितना टाइम लगना है उसे 1 घंटा कम समय लगता है, तो जो अब टाइम आएगा वो क्या आएगा? 360 किलोमीटर। आप स्पीड बढ़ा दे रहे हैं तो पहले स्पीड एक्स था तो अब कितना होगा? एक्स प्लस 5। तो जो ये टाइम है इस टाइम के कंपेरिजन में 1 घंटा कम है, तो यानी कि पहला वाला टाइम ज्यादा है, ओके। तो ये टाइम है 360 बाई x और ये टाइम है 360 बाई x प्लस 5। ठीक है, ये 1 घंटा ज्यादा है, माइनस करेंगे तो 1 आवर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 360 अगर कॉमन लेंगे, 1 बाई x माइनस 1 बाई 150 इसको, सॉरी 1 बाई x प्लस 5 इसको टू 0। तो इसको इधर लेकर आते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आया? एक्स प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 1 बाई 360, ओके। सॉल्व करो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1800। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1800 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए, ओके। तो देखते हैं कौन सा आएगा, यानी 45 और 40। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे, तो ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या दिख रहा है, कितना आना चाहिए? एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -45 और एक्स की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स का वैल्यू क्या आया? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स का वैल्यू 40 आया, तो ट्रेन का स्पीड क्या है? एक्स है, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले जा रही थी। ठीक है, अब इंक्रीज कर देंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो हमें लग रहा था 9 आवर, और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो हमें लगेगा 8 आवर्स। तो 1 घंटा कम हो गया, काम खत्म। हमें स्पीड पूछ रहा था 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।